रिसेंट के ईयर्स में हमें बॉलीवुड के एक्टर्स साउथ मूवीज़ में एक्टिंग करते नज़र आए हैं, लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे साउथ के 10 सुपरस्टार्स जो कि बॉलीवुड में एक्टिंग करते नज़र आए थे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अबे रिक्शा वाले, पैसे ना लेना मैडम से, भाभी है तुम्हारी। नंबर 10, राणा दग्गुबाती। राणा दग्गुबाती उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने पैन इंडिया मूवीज में देखने को मिले हैं। ये हमें मोस्टली तेलुगु मूवीज में एक्टिंग करते नजर आते हैं, लेकिन ये हिंदी और तमिल मूवीज में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने बॉलीवुड में दम मारो दम मूवी से एंट्री की। मैं जोकिम फर्नांडिस, मैं जिंदगी को जीता नहीं गुनगुनाता था और मेरी धुन का नाम था जोई। के बाद ये हमें बेबी और ये जवानी है दीवानी मूवी में कैमियो रोल में भी नजर आ चुके हैं। नंबर 9, मोहनलाल। मोहनलाल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स में से एक हैं। ये अपनी नेचुरल एक्टिंग और सिंपलिसिटी के लिए पॉपुलर हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये बॉलीवुड मूवी में भी काम कर चुके हैं। ये 2002 में आई मूवी कंपनी में एक रोल में नजर आ चुके हैं। नाम क्या है? चंदू। पूरा? चंद्रकांत नागरे। काम करेगा मेरे लिए। नंबर 8, रामचरण। रामचरण एक फेमस टॉलीवुड एक्टर हैं। ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं। रामचरण ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2014 में आई मूवी जंजीर से किया था। जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए, शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर। नंबर 7, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने तमिल, तेलुगु और हिंदी मूवीज में काम किया है। ये हमें बॉलीवुड की मूवीज में ज्यादातर देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन जिन भी मूवीज में इन्होंने काम किया है उसमें एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है। इन्होंने बॉलीवुड की मूवीज जैसे रंग दे बसंती, चश्मे बद्दूर और स्ट्राइकर जैसी मूवीज में काम किया है। इन मूवीज में इनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की गई थी। ये देश बदलेगा, हम बदलेंगे। नंबर 6, प्रकाश राज। प्रकाश राज तमिल के जाने माने एक्टर्स में से एक है, लेकिन इन्होंने कई हिंदी और तेलुगु मूवीज में भी काम किया है। इन्होंने बॉलीवुड की मूवीज जैसे खाकी, वांटेड, सिंघम, बुड्ढा होगा तेरा बाप और दबंग जैसे कई मूवीज में एक्टिंग करते नजर आ चुके हैं। आली रे आली आता तुझी बारी आली। नंबर 5, कमल हासन। कमल हासन इस लिस्ट के बिगेस्ट स्टार में से एक हैं। यह हमें बॉलीवुड की मूवीज जैसे एक दूजे के लिए, सदमा, सागर और चाची 420 में बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का दिल जीता था। नंबर 4, आर माधवन। आर माधवन एक पॉपुलर एक्टर हैं जो कि तमिल और हिंदी मूवीज में काम कर चुके हैं। ये हमें रहना है तेरे दिल में, साला खड़ूस, थ्री इडियट्स, रंग दे बसंती, तनुवर्स मनु जैसे मूवीज में एक्टिंग करते नजर आए थे। इन सभी मूवीज में इनकी एक्टिंग की काफी तारीफें की गई थी। नंबर 3, सूर्या। सूर्या तमिल के फेमस एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं और ये तमिल के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में भी आते हैं। इन्होंने 2010 में राम गोपाल वर्मा की मूवी रक्त चरित्र में एक रोल में एक्टिंग करते नजर आए थे। मारने से नहीं, उसे मारे बिना मरने से डरता हूं। नंबर 2, रजनीकांत। रजनीकांत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेल नोन एक्टर हैं। इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इन्होंने बॉलीवुड की मूवीज जैसे गिरफ्तार, चालबाज, हम और बुलंदी जैसी मूवीज में काम किया है। तीन से भले दो, दो से भला एक, हम तीनों भाइयों में से एक ही काफी है तुम नामर्दों के लिए। नंबर 1, धनुष। धनुष एक एक्टर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और प्लेबैक सिंगर है। इन्होंने तमिल की कई मूवीज में एज अ प्लेबैक सिंगर के तौर पर सिंगिंग भी की है। इनका फेमस सॉन्ग वाई दिस कोलावेरी डी काफी पॉपुलर हुआ था और YouTube पर मिलियंस में व्यूज भी आए थे। इन्होंने 2013 में आई मूवी रांझना से बॉलीवुड डेब्यू किया था। अबे रिक्शा वाले, पैसे ना लेना मैडम से, भाभी है तुम्हारी। कौन सी वाली भैया? ये लंबी वाली जो गुस्से में है। क्या देख रहे हो, आगे देखो। ये हमें समिताभ, अतरंगी रे जैसी बॉलीवुड मूवीज में एक्टिंग करते नजर आए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि इन सभी साउथ एक्टर्स में से किस एक्टर की बॉलीवुड मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई थी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।